तो बाढ़ ने बिहार में तबाही मचा दी है। पूरा बाढ़ से बिहार तबाह है, बेहाल है। और इस बेहाली की एक तस्वीर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर जिला की कई नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का कहर पूरे जिले में जारी है। सैकड़ों गांव डूब चुके हैं और बागमती गंडक, बूढ़ी गंडक, लखनदेई, मनुस्मारा के बाद पश्चिम क्षेत्र के अब नदियों के रौद्र रूप के बाद बाढ़ की भीषण संकट पैदा हो गया है। नदियाँ अपना रौद्र रूप दिखाने लगी हैं और सैकड़ों गांव अब बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, डूब चुके हैं। हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है, किसान तबाह हो गए हैं और लोगों के पास अब खाने को भी लाले पड़ गए हैं। जिला में जहाँ पर बागमती नदी के साथ बूढ़ी गंडक और गंडक नदी कहर बरस पा रही है, वहीं पर जिला के पश्चिमी क्षेत्र में वाया नदी में बाढ़ के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आलम यह है कि अब ये नदी किसान को न सिर्फ रोजी रोटी के मोहताज बना चुकी हैं, बल्कि किसानों के द्वारा लगाई गई सैकड़ों एकड़ में फसल को भी बर्बाद कर दिया है। तो किसान तबाह हो गए हैं, लोग बेहाल हैं और शासन प्रशासन की तरफ से कोई सहूलियत अभी तक नहीं दी गई है। तो लोग काफ़ी नाराज़ हैं और उनका कहना है कि ये बाढ़ किसानों पर आफत बनकर आई है। अभी खेतीबाड़ी का समय है, धान की रोपनी हुआ था और सारे धान बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, अब उनका बचना मुश्किल है। किसान बहुत नाराज़ हैं और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि पहले उनको राहत मिले, उनको खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराई जाए और उनकी जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसका आकलन करके उनको मुआवजा मिले। तो किसानों की क्या समस्या है और खुद समझिए कि गांव में कितनी हालत विकट हो गई है बाढ़ की वजह से। तो बाढ़ ने बिहार के 8 जिलों में तबाही मचाई है। ये तो तस्वीर थी कुछ गांवों की, मुजफ्फरपुर से सटे गांवों की, लेकिन गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान, छपरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल कई जिलों में बाढ़ से भयंकर तबाही मची हुई है। कल से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सरकार राहत सामग्री भी गिरा रही है, लोगों की मदद करने की कोशिश की जा रही है, राहत शिविर भी खोले जा रहे हैं और कम्युनिटी किचन भी शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन जितने लोग बेघर हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं, उनके लिए जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, वो अपर्याप्त साबित हो रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और सबको सख्त निर्देश दिया है कि बाढ़ पीड़ितों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई बाढ़ पीड़ित भूखा नहीं सोना चाहिए। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के इस चेतावनी और निर्देश का अधिकारी किस हद तक ग्राउंड लेवल पर पालन करते हैं। अगर उसका पालन होगा तो वाकई उनको बहुत राहत मिलेगी, अगर अधिकारी पालन नहीं करते हैं तो लोगों की मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि बाढ़ की आपदा और भयावह होती जा रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि शासन प्रशासन की नींद खुले और पता चले कि किस तरह से गांव के गांव तबाह हो गए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, किसान तबाह हो रहे हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेंपर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट। वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी आर पारस, वर्क फॉर कॉज, नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।